आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की सभी छोटी बड़ी खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज, जुर्म का पर्दाफाश। और इस वक्त की खबर आप देख रहे हैं यूपी के गोरखपुर जनपद से। गोरखपुर पुलिस का नापाक चेहरा आया सामने। न्याय की लड़ाई लड़ने वाली सीमा गौतम के घर पर मारा छापा। ज्ञात हो कि अंबेडकर जनमोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम ने गोरखपुर के काली मंदिर स्थित एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हत्या के मामले में न्याय दिलाने हेतु अल्टीमेटम दिया था, जिसे लेकर रात में करीब 100 की तादाद में गोरखपुर स्थित सीमा गौतम के घर पर 12 बजे रात में छापा मारकर एसएसपी कार्यालय जाने से रोकने का दुस्साहस किया गया और जेल भेजने की धमकी दी गई। परंतु सीमा गौतम ने बताया कि इसके उपरांत भी न्याय के लिए मुझे कोई रोक नहीं पाया और एसएसपी गोरखपुर से मिलकर गिरफ्तारी की मांग की। देखा विशेष रिपोर्ट में, यहाँ पे कप्तान साहब से मिलने आए हैं कि अगर 302 लगा है, 302 376 लगा है, तो एक घंटे के लिए या चार दिन के लिए जो भी उनके तरफ से कार्रवाई हो, एक गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाकी दो लोग जो वीडियो बना करके उस पीड़िता को रेखा को जो लोग आत्महत्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो साहब आपको बता दूं कि माँ हमारे साथ हैं। ये चीख चीख के कह रही है कि अगर लड़की आत्महत्या की है तो उसके लैगी में, उसके दुपट्टा में वो ब्लड किसका है, उस घर में ब्लड किसका आया है। अगर लड़की आत्महत्या की है तो वहाँ उसने कोई सुसाइड नोट कुछ भी नहीं छोड़ा है। उस घर में एक पुरुष का चप्पल मौजूद मिला है, उस घर को सीज किया गया था, चप्पल मिला है और सारी चीजें, तो उसमें हमें लगता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन करना है, पुलिस को करना चाहिए, जो सच्चाई है उसको लाना चाहिए। लेकिन फिर भी यह 302 376 में गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। क्या लगता है कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? सर, हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही किया गया है और कहीं ना कहीं दबाव था। किसका दबाव था? अब जो भी आरोपियों का दबाव था, क्योंकि कप्तान साहब ने इस समय माना है, मिस्टेक ये माने हैं कि जब ये पीड़िता डेड बॉडी मांग रही थी पोस्टमार्टम के समय, तो अवधेश मिश्रा ने इनको थप्पड़ मारा था, इनको भी मारा था, इनके पति को भी मारा था। एसपी साहब कौन? हाँ, एसपी साहब इस बात को एक्सेप्ट किए हैं। कौन है अवधेश मिश्रा? कौन वो? चौकी इंचार्ज है। तो एसएसपी साहब ने इस बात को गलती माना है कि भाई मिस्टेक हो गया है, वो डेड बॉडी ले जाने में मिस्टेक हो गई है, तो उन्होंने मिस्टेक। तो अगर ये मतलब ये भी एक सोचने वाली बात है कि पीड़ित को ही आप मिस्टेक करके पीड़ित को नहीं मार सकते हैं, तो एक तरह से ये अन्याय है, मेरे लिए अन्याय। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।